वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं आशिका शरीजा। सो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने क्लास ट्वेल्थ की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और कैसे अपना पोर्शन जो है कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो सिलेबस CBSE ने इशू किया है क्लास ट्वेल्थ ऑफ अकाउंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024 to 2025, ठीक है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस क्या है। सबसे पहले है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पहले हमारा था NPO, लेकिन NPO इस बार हम लोगों का नहीं है। पिछले 3-4 सालों से NPO जो है नहीं आ रहा है। सो स्टार्टिंग करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अब इसके अंदर 4-5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट सिंपल पार्टनरशिप वाला, सेकंड PSR विच इज़ हम लोग बोलते हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड एडमिशन। कभी भी न्यू पार्टनर को अगर हम लोगों को अपने फर्म के अंदर लाना होता है तो क्या प्रोसेस होता है। फोर्थ रिटायरमेंट, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी होती है। फिफ्थ डिसोल्यूशन, यानी कि जब हम लोगों को अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देना होता है तब हम लोगों का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीज़ें हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। दूसरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको हम लोग किस किस तरीके से डील करते हैं। एक और चैप्टर भी है बीच में गुडविल नाम का, ठीक है। सो गुडविल यानी कि हमारे पार्टनरशिप की गुडविल क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पार्टनरशिप की गुडविल की ये वैल्यू है, यानी कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को अगर हम लोग कुछ बेचेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पार्टनरशिप फॉर्म की वैल्यू है 2 लाख, बट सामने वाला हम लोगों को 3 लाख देने के लिए रेडी है, तो वो जो बीच का जो डिफरेंस है ना 1 लाख का, वो हमारी होती है गुडविल, यानी कि हमारी होती है रेप्यूटेशन की वैल्यू, ठीक है। सो हम लोग वहाँ पे देखते हैं गुडविल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडमिशन, यानी कि कोई भी पार्टनर को हम लोगों को फॉर्म के अंदर लाना है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी होगी, ठीक है। कोई भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है, कोई पार्टनर का रिटायर हो जाता है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा। एंड लास्ट की अगर हम लोगों को अपना पूरा पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद कर देना है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तो ये है। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। सो इसके अंदर हम लोगों के 2 चीज़ें आती है। सबसे पहले होता है शेयर कैपिटल, सेकेंड होता है हमारा डिबेंचर्स। ये 2 चैप्टर्स हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे शेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है कि हम लोग अगर शेयर्स को पब्लिक को इशू करना होता है तो कैसे इशू करते हैं, पार पे इशू करते हैं, प्रॉफिट में इशू करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, फिर बाद में उसकी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती है, वो शेयर्स रिलेटेड पूरा चैप्टर होता है। डिबेंचर्स के अंदर हमारा आता है हम लोगों ने जो है डिबेंचर्स को इशू किए हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, डिबेंचर्स को हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो क्या होता है। डिबेंचर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो कंपनीज के रिलेटेड खाली 2 चैप्टर्स पढ़ना है, विच इज़ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स। ये हो जाने के बाद हम लोगों का आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ये लोग बताएंगे हमको कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोगों ने जो अभी तक बैलेंस शीट पढ़ते आए हैं वो होती है बिजनेस की बैलेंस शीट, ठीक है। कोई भी फर्म्स वगैरह की बैलेंस शीट, वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, हॉरिजॉन्टल की जो भी बैलेंस शीट होती है वो होती है बिजनेस की। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जिसके अंदर उसके बहुत सारे मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, एक्शंस भी बहुत सारे बनते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ का मेन हेडिंग क्या है, करंट एसेट्स का मेन हेडिंग क्या है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ की क्या मेन हेडिंग है, कोई डिबेंचर्स लिया है तो उसकी क्या मेन हेडिंग है, अगर हम लोगों का कोई शेयर कैपिटल है तो उसके अंदर कौन कौन से सब हेडिंग्स आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। अगर आपको कंपनी बैलेंस शीट अच्छे से पता है कि किसके अंदर क्या चीज़ें आती है तो आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे बहुत सारे रेशियोज, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज़ के अंदर बहुत सारे टाइप्स के रेशियोज़ हैं, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एसेट्स टू डेट रेशियो, फिर टोटल एसेट्स रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बहुत सारे रेशियोज़ हैं, वो हमारे किस चैप्टर के अंदर आएंगे, अकाउंटिंग रेशियोज़ के। एंड लास्ट इसके अंदर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट,
ठीक है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का तो आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर पार्ट का कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। कंपनीज़ जो है उसका कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म ये हम लोगों का पूछा जाएगा 36 मार्क्स का, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज ये आपका पूछा जाएगा 24 मार्क्स का, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि ये जो है ये आपका पूछा जाएगा 12 मार्क्स का, यानी कि इन दोनों को मिला के आपका जो है 12 मार्क्स का आएगा। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स 8 मार्क्स का है, यानी कि 12 + 8 = 20, ठीक है। 20 + 36 + 24 = 60, तो 20 + 60 = 80। टोटल आपका बोर्ड्स एग्जाम का पेपर 80 मार्क्स का बनेगा, एंड जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल्स आएंगे जिसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो देना पड़ेगा, वाइवास कंडक्ट होंगे उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स के बेसिस पे आप मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो ये जो है आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि आपका पार्ट ए जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इसमें ये सब चैप्टर करने से आपको 36 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको खाली 2 चैप्टर्स करने से 24 मार्क्स मिल जाएंगे, तो फोकस करना कि ये दोनों चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाए, तो आपके पास 24 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। एंड अकाउंटिंग रेशियोज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी बैलेंस शीट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है कंपनी बैलेंस शीट, वो भी ईजिली आ जाएगी आपको। पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्टिंग में बहुत ईजी है, PSR भी ईजी है, गुडविल भी ईजी है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ठीक है। इसमें से एडमिशन भी ईजी है, रिटायरमेंट, डेथ भी ईजी है, डिसोल्यूशन की कभी कभी जर्नल एंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छे से मेरे सारे वीडियोज़ देखोगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी जर्नल एंट्रीज़ के साथ करवाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चैप्टर बचा ही नहीं, अकाउंटिंग रेशियोज पे मैं वीडियोस डाल दूंगी, जितना हो सकेगा उतना क्लियर अच्छे से करने का ट्राई करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी चैप्टर रिलेटेड ऑफ क्लास 12th अकाउंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, एज वेल एज इंस्टा आईडी पे DM भी कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन जो है बताऊंगी, एज वेल एज आपकी हेल्प भी करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने में, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।